फूल। ये कबाड़ तो मैं बेचने जा रहा हूँ, शक्ल तुमने टिंडर पे जैसी क्यों बनाई हुई है? मेरा हिस्सा मेरे कमरे में भेज देना। लो जी, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। मीनू कहां और कैसे भगा ले जाऊं तुम्हें? डोंट बी सिली यार, ये जिंदगी है, कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है जो अपने फजूल सजेशंस दे रही हो तुम। तो फिर ठीक है, आप बैठ कर ना देखिए कि अम्मा और बेबे कैसे मिलकर बैंड बजाती है हमारा। तो तुम्हें क्या लगता है हमारा खानदान शादियों पे ढोल बजाता है? बेबे ने साफ कह दिया है, गला घोट देंगी मेरा लेकिन रुख्सती नहीं करेंगी। यार मीनू तुम क्या चाहती हो मुझे फाइनल बताओ। देखिए मुझे लगता है हमें ना बेबे को इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम 3-4 दिन के लिए ना लाहौर चल जाते हैं बड़े अब्बा के पास भागकर, बड़ा मजा आएगा। अच्छा फिलहाल तुम बैठकर मजे लो, मैं इस टॉपिक पे तुमसे आके बात करता हूँ। हाँ टेंशन ना लो, मैं साथ हूं तुम्हारे। खुदा हाफिज। ठीक है, चाय लाई हूं। अरे किसी के रूम में आने से पहले नॉक तो कर लिया करो। अच्छा ओके, चाय तो देती जाओ। धाड़ो धाड़ घर से भागने के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। आप तेल का कुआं खोलकर बैठी रहे, आपके मिठुल को वो चील चोंच में दबाकर ले जाएगी। बुआ क्या थी गया है, मसाज का मजा ही नहीं आ रहा। मसाज का बच्चा बेटा, हाँ प्या सड़दा है। ए रूमी और क्या कह रही थी मीनू? क्या बताऊं क्या कह रही थी, उंगलियों पे नचा रही है वो छटांग भर की लड़की सबको। तो उससे रुखसत कर दो ना, हम भी तो देखे पुतली तमाशा था कि हमें भी चस्सा है आया है। मिस्किन तू तो चुप की थी कर। अम्मा आप अभी और इसी वक्त बुलाएं फाजी को और 2 टोक अंदाज में बात करें उससे। गुल में कुछ सोचन ताडे। मैं क्या कहती हूँ, मौका अच्छा है वहां से रिश्ता तोड़वाते और मेरी नन से करवा देते, मेरे तो ससुराल वाले इनकार भी नहीं करेंगे। अच्छा इसी जोड़ तोड़ के चक्कर में तुम्हारा मन यहाँ आया बैठा है। देख रही हो आपा। ओहो पहले मैं फाजी को संभाल लूं, इसका खाता बाद में खोलूंगी। हा?